आज से 3 दिवसीय यूपी दिवस का शुभारंभ हो रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ इसका शुभारंभ करेंगे। इस मौके पर वो लखनऊ से ही 1000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। लखनऊ के अवध शिल्पग्राम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी इसमें शामिल होगी। वही सरकार यूपी दिवस का सीधा प्रसारण सभी जिलों में करेगी। इस मौके पर रामचरितमानस, लोकनृत्य सहित कई कार्यक्रमों का भी आयोजन होगा। 26 जनवरी को 3 बजे से समापन समारोह का आयोजन किया जाएगा। वहीं लखनऊ सहित प्रदेश के सभी जिलों में भी यूपी दिवस का भव्य आयोजन किया जाएगा। आज मुंबई में भी यूपी दिवस मनाया जाएगा। इस समारोह में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, बीजेपी के संगठन महामंत्री सुनील बंसल भी मौजूद रहेंगे। समारोह की अध्यक्षता महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी करेंगे। वहीं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी यूपी दिवस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर कहा है कि लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीके से सभी को अपनी बात रखने का हक है। अपनी बात मनवाने के लिए अराजकता फैलाने वाले भ्रम में न रहें। सरकार के पास हर समस्या का समाधान है। जिसने भी सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुंचाई उससे वसूली होकर रहेगी। आज बहमई कांड पर फैसला आ सकता है। कानपुर देहात के बहमई कांड में नया मोड़ आ गया है। दरअसल 18 जनवरी को इस पर फैसला आना था, लेकिन मामले से जुड़ी सबसे अहम मूल केस की डायरी ही गायब हो गई। लिहाजा कोर्ट ने फैसला तो नहीं सुनाया बल्कि क्लर्क को नोटिस दिया और आज मूल केस की डायरी कोर्ट में सबमिट करने को कहा। इसके वादी पक्ष हताश है और वो हाईकोर्ट जाने की बात कह रहे हैं। उम्मीद है कि आज बहमई कांड पर फैसला आ सकता है। मौनी अमावस्या पर गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ गई है। ऐसी मान्यता है कि माघ महीने में ब्रह्मांड के 33 करोड़ देवी देवता यहां वास करते हैं। इस दौरान त्रिवेणी में जो भी श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। मौनी बाबा के मुताबिक इस बार का मौनी अमावस्या श्रद्धालुओं को विशेष फल देने वाला है। वहीं तीर्थराज प्रयाग में दान का भी बहुत महत्व है। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर मचे संग्राम के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और इन सबके बीच सोनिया गांधी, पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी और एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है। इन तीनों पर सीए यानी नागरिकता संशोधन कानून को लेकर कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। अलीगढ़ सीजेएम कोर्ट ने शिकायत स्वीकार कर ली है और सुनवाई के लिए आज की तारीख तय की गई। कन्नौज में एक महिला ने अस्पताल के गेट पर ही बच्ची को जन्म दे दिया। मामला यहां के जिला अस्पताल के महिला विंग का है, जहां देर रात प्रसव पीड़ा से परेशान शाइन को उसकी पति और मां यहां लेकर आए थे, लेकिन अस्पताल कर्मियों ने इनकी कोई मदद नहीं की। पीड़िता ने फर्श पर ही एक बच्ची को जन्म दे दिया। कुशीनगर में स्नातकोत्तर महाविद्यालय के दीक्षांत समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल शामिल हुई। एनसीसी के कैडेटों ने गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी दी। इसके बाद गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति और बुद्ध महाविद्यालय परिवार के शिक्षकों ने अपने कुलाधिपति का स्वागत किया। इस मौके पर महाविद्यालय के प्राचार्य ने स्वागत मेमेंटो आनंदीबेन पटेल को दिया। इसके बाद राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने बुद्ध पीजी कॉलेज के कला, वाणिज्य और विज्ञान वर्ग टॉप करने वाले छात्र छात्राओं को मेडल दिया। इस मौके पर अनूठी पहल करते हुए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने प्राथमिक विद्यालय के छात्र छात्राओं को मंच से सम्मानित किया। रामपुर में सपा सांसद आजम खान और उनकी पत्नी और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की 2 जन्म प्रमाण पत्र वाले मामले में आज सुनवाई होगी। इस मामले में शहर में उनके परिवार के खिलाफ मुनादी हो चुकी है। एमपी, एमएलए, स्पेशल कोर्ट, एडीजे, 6 के यहां ये मुकदमा चल रहा है। मुजफ्फरनगर में सीए को लेकर भड़काऊ पोस्टर लगाया गया है। सीए को लेकर लोगों को भड़काने का काम किया जा रहा है। इसको लेकर मदनी चौक पर भड़काऊ पोस्टर लगाया गया। पोस्टर में सीए, एनआरसी और एनपीआर को भयानक कानून बताया गया, जिसके बाद पुलिस ने भड़काऊ पोस्टर उतरवा दिया है। हिंसा के आरोपियों की फोटो के ऊपर ही पोस्टर लगवाया गया है। प्रदेश की सरकार भले ही भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन का दावा करती है, लेकिन सरकार के अधिकारी गरीबों के निवाले पर नजर डालते हैं। ताजा मामला खाद्य और रसद विभाग का है, जहां कोटेदारों के अधिकारियों पर राशन का घोटाला करने का आरोप लगाया है और उसकी शिकायत जिला पूर्ति अधिकारी से की गई है। कोटेदारों का कहना है कि अधिकारी उन्हें तय राशन से कम राशन देते हैं, जिसका असर सीधा गरीबों पर होता है। अगर हमें राशन कम दिया गया तो हम कार्ड धारकों को भी कम राशन देंगे। बांदा जिले का चयन कौन बनेगा नन्हे कलाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रदेश के 12 जिलों में यह आयोजन किया गया। अकेले बांदा जिले से 1,70,000 बच्चे इस परीक्षा में शामिल होंगे।
जिलाधिकारी ने शिक्षकों के लिए आयोजित कार्यशाला में ये बताया कि हमने अब तक के उच्च प्रदर्शन का दोगुना लक्ष्य अपने जिले के लिए तय किया है। ये परीक्षा चार चरणों में आयोजित की जाएगी, जिसके तहत कार्यक्रम की शुरुआत जालौन जिले से 2017 में की गई थी, जिसे पूरे प्रदेश में लागू किया गया है। फरुखाबाद में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीए और एनआरसी को लेकर पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और सीएम योगी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कश्मीर और पूर्वोत्तर के राज्यों की स्थिति एक जैसी है, इसलिए कश्मीर में धारा 370 खत्म करने वाले अब बताया कि पूर्वोत्तर राज्यों में धारा 370 को कब खत्म किया जाएगा। पूर्व सीएम ने कहा है कि ये लोग उनकी सरकार में पांच मुख्यमंत्री होने का तंज कसते थे, पर आज तो स्थिति ऐसी हो रही है कि लगता है कि प्रदेश में कोई मुख्यमंत्री है ही नहीं। वाराणसी में सीए और एनआरसी के विरोध में कांग्रेस नेत्री सृष्टि कश्यप के साथ कुछ मुस्लिम महिलाएं बेनियाबाग में हैं, पोस्टर बैनर के साथ पहुंची हैं। दिल्ली के शाइनबाग की तरह ही महिलाएं बच्चों को लेकर बैठी हुई थी, जिसके बाद मौके पर पुलिस फोर्स ने मुस्लिम महिलाओं को उठा लिया और कुछ को हिरासत में भी ले लिया। वही मामले पर एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने बताया है कि पूरे जनपद में धारा 144 लगी है, जिसके बाद शांति भंग न हो उसके लिए 5 से 6 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ करने के लिए भेजा गया है। नागरिकता संशोधन एक्ट को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध हो रहा है, लेकिन प्रयागराज में एक अनोखा विरोध देखने को मिला है, जहां कांग्रेस पार्टी के नेता ने सीए और एनआरसी का विरोध करते हुए कब्रिस्तान में अपने पूर्वजों की कब्र पर आंसू बहाए हैं। कांग्रेस के महासचिव हसीब अहमद और कुछ अन्य कार्यकर्ताओं ने कहा है कि घर के कागजात तो मेरे पूर्वजों ने बताए नहीं कहां है, तो अब हम कैसे साबित करें कि हम यहीं के नागरिक हैं। यही नहीं, ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। हल्द्वानी के ताज चौराहे पर नागरिकता कानून के खिलाफ मुस्लिम महिलाओं का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। ठंड में बैठकर महिलाएं सीए का विरोध कर रही हैं। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ धरना कर रही हैं, महिलाओं को समर्थन देने पहुंची, और इस दौरान जहां देशभक्ति गीतों को गाकर महिलाओं और बच्चों ने सीए का विरोध जताया है, वहीं तो नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने सीए को संविधान के खिलाफ बताया। विधायक के ड्राइवर ने नशे में कार से ट्रक में टक्कर मार दी है। हादसे के वक्त कार में सरकारी गनर और ड्राइवर भी सवार थे। गंभीर हालत में दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सिविल लाइन थाना इलाके की पुरानी चुंगी पर ही हादसा हुआ है। गणतंत्र दिवस शाहजहांपुर में बेहद खास ढंग से मनाया जाएगा। जिले के हर तिराहा और चौराहा पर राष्ट्र गानों की धुन पर बैंड बाजे ही बजेंगे। इसके लिए जिला प्रशासन ने बैंड बाजा मालिकों के साथ एक खास बैठक की। इस बैठक में बैंड बाजा वालों से पूरी साज सज्जा के साथ गणतंत्र दिवस को मनाने की अपील की गई है। दरअसल जिला प्रशासन इस बार गणतंत्र दिवस को एक बड़े त्यौहार के रूप में मनाना चाहता है। इस बार जिला प्रशासन ने फैसला किया है कि जिले भर के तिराहा और चौराहों और प्रमुख स्थानों पर साज सज्जा से लैस बैंड बाजे वाले राष्ट्र गीतों की धुनों पर बैंड बजाते नजर आएंगे। बैंड बाजा वालों से ये भी कहा गया है कि वो 26 जनवरी को पूरी साज सज्जा के साथ नजर आए। ग्रेटर नोएडा के पॉश सोसाइटी में चलती लोहे की सीढ़ी देखने से लोगों में हड़कंप मच गया। घटना को भूत प्रेत का असर मान रहे हैं। चलती सीढ़ी देखने के बाद लोग सीढ़ी के पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के महागुण सोसाइटी की घटना बताई जा रही है। रामपुर में जहां एक और प्रशासन 26 किसानों की जमीन नापने और कब्जा दिलाने में परेशान थी, तो वहीं पुलिस अधिकारियों की सुरक्षा को छोड़कर उसी मैदान में जिस मैदान में जमीनों को नापा गया, वहीं पर पुलिस क्रिकेट खेलती नजर आई। दरअसल आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी की कब्जा दिलाने के मामले को लेकर पुलिस प्रशासन ने 26 किसानों की जमीन नापकर उनको कब्जा दिलाया है। वहीं दूसरी ओर पुलिस क्रिकेट खेल रही थी। मैच में सैद नगर चौकी इंचार्ज खूब चौके और छक्के चढ़े। मेरठ में किन्नर पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए हवन पूजन कर रहे हैं। इसमें कई प्रदेशों के किन्नर कंकरखेड़ा में जम गए हुए हैं। इसके अलावा 25 जनवरी को कलश यात्रा निकाली जाएगी। किन्नरों का यह कार्यक्रम 10 दिन तक चलेगा। किन्नर अपने पूर्वजों के लिए ये हवन पूजा कर रहे हैं। जिस स्थान पर उनका ठहराव है उसके आसपास सामान खरीदने और बेचने के लिए भी बाजार लगा दिए गए हैं। ये कार्यक्रम 19 जनवरी से शुरू हुआ और 29 जनवरी तक चलेगा। मुरादाबाद में दिल्ली लखनऊ हाईवे पर टोल प्लाजा द्वारा स्टाम्प चोरी करने का बड़ा मामला सामने आया है। जांच के बाद शासन ने स्टाम्प चोरी करने के मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए 25 करोड़ 38 लाख रुपए वसूलने के आदेश दिए हैं। स्थानीय प्रशासन ने जिला अधिकारी की कोर्ट में मामला
दायर कर स्टाम्प ड्यूटी वसूलने की कार्रवाई शुरू कर दी है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और टोल कंपनी के बीच महज 100 रुपए के स्टाम्प पर 25 साल का अनुबंध हुआ था और दोनों पक्ष स्टाम्प ड्यूटी चुकाने को तैयार नहीं थे, जिसके बाद कोर्ट में दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दायर किया गया है। बदायूं जिले में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक पति ने अपनी पत्नी को मारने के लिए सुपारी दे दी, जिससे पति के दोस्तों ने पत्नी को सांप से कटवाकर मौत की घाट डालने की कोशिश की। परिजनों ने पत्नी को बरेली निजी अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। वहीं पति मौका पाकर फरार हो गया है। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। सीसीटीवी में एक अजीबोगरीब घटना कैद हो गई है। मेरठ में गैरेज में एक रहस्यमयी परछाई इधर उधर घूमती दिखाई दी। परछाई को देखकर एक बुजुर्ग की मौत हो गई। आप टीवी में देख सकते हैं कि कैसे परछाई को देखते हुए एक बुजुर्ग जमीन पर गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। बांदा में एक दिव्यांग युवक पिछले 12 साल से चरपाई पर लेटा हुआ है। परिवार के नाम पर इसका कोई नहीं है। वहीं बड़ी बात यह है कि इस दिव्यांग युवक को आज तक कोई सरकारी मदद नहीं मिली, यहां तक कि युवक का निर्वाचन कार्ड तक नहीं बना है। लाचार दिव्यांग युवक ने अब इच्छा मृत्यु की मांग की है। कौशाम्बी के गुरुकुल महाविद्यालय के नजदीक नेशनल हाईवे 2 पर खाद्य तेल से भरा टैंकर और ट्रक में टक्कर हो गई। हादसे में टैंकर में छेद हो गया, जिससे उसके अंदर भरा तेल काफी मात्रा में निकलकर सड़क पर किनारे में जाकर भर गया। टैंकर चालक के मुताबिक लगभग 10,000 लीटर तेल टैंकर से बहकर गड्ढे में भर गया था, जिसके बाद गड्ढे में भरे तेल को स्थानीय लोग बड़े बड़े डिब्बे में भरकर ले गए। टैंकर चालकों ने उनको रोकने का प्रयास किया, लेकिन स्थानीय लोगों ने उनकी एक नहीं सुनी। मुरादाबाद में लोको शेड पुल पर सड़क हादसे से हड़कंप मच गया। बस और कार में हुई आमने सामने की टक्कर के बाद दोनों गाड़ी गहरी खाई में गिर गई। हादसे में 6 लोग घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने राहत और बचाव का कार्य शुरू कर दिया। हादसे के बाद दिल्ली लखनऊ हाईवे पर ट्रैफिक जाम हो गया। मझूला थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। उत्तरकाशी में एक सिरफिरे युवक ने तिलोत पुल से गंगा में छलांग लगा दी, जिसके बाद लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस और आपदा एसडीआरएफ की टीम ने गंगा के दूसरे पार से सिरफिरे को ढूंढ निकाला। वहीं पता चला है कि सिरफिरा तिलोत का ही रहने वाला था और उसने शराब पी हुई थी। पुलिस ने युवक को परिजनों को सौंप दिया है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में पलायन को लेकर बैठक सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बैठक की है। पलायन पर सभी विभाग से सीएम ने कार्य योजना मांगी है। एक महीने में विभागों से कार्य योजना प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। चयनित ब्लॉकों में पलायन केंद्रित विशेष योजना बनाई जाएगी। माइग्रेशन मिटिगेशन फंड स्थापित करने के निर्देश भी दिए गए। इसके अलावा इको टूरिज्म पॉलिसी जल्द बनाने के निर्देश भी दिए गए। बीजेपी में परेशान नेताओं को हरीश रावत ने कांग्रेस में आने का निमंत्रण दिया है। कांग्रेस में आने को लेकर हरीश रावत ने फेसबुक पोस्ट लिखा है। उन्होंने लिखा है कि मुझसे किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। जिन्हें पार्टी में आना है तुरंत आए, जब पार्टी कमजोर है तब पार्टी में आए। हरीश रावत किसी की पार्टी में आने की राह में रोड़ा नहीं है। इसके अलावा उन्होंने ये भी लिखा है कि कुछ लोगों को कांग्रेस में नहीं आने देना चाहते। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ट्वीट से छेड़छाड़ को लेकर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर किए गए ट्वीट में अमर्यादित शब्दों का प्रयोग कर किसी शख्स ने उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। डीआईजी ने इस मामले में कैंट कोतवाली पुलिस को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गुरुवार सुबह व्यक्तिगत ट्विटर अकाउंट से नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जन्मदिवस पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए ट्वीट किया। आरोप है कि किसी शरारती तत्व ने ट्वीट में छेड़छाड़ कर पोस्ट एडिट की और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। सीए और एनआरसी को लेकर देशभर में चल रहे विवाद के बीच उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का एक बयान सामने आया है। उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है, फीडबैक मिला है कि जामिया यूनिवर्सिटी और कश्मीर से कुछ असामाजिक तत्व उत्तराखंड में घुस आए हैं। ये लोग प्रदेश की जनता को सीए के खिलाफ उकसाकर योजनाबद्ध तरीके से माहौल बिगाड़ रहे हैं। वो यहाँ की शांति को भंग करना चाहते हैं। अगर ये सब नहीं रुका तो सरकार इस पर सख्त एक्शन लेगी। ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी।
पर्यटन और वन विभाग की बैठक का आयोजन विधानसभा में किया गया, जिसकी अध्यक्षता वन मंत्री हरक सिंह रावत और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने संयुक्त तौर पर की। बैठक में दोनों ही विभाग वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। पर्यटन विभाग की कोशिश है कि प्रदेश में पर्यटन गतिविधियों में तेजी लाई जाए, लेकिन कई क्षेत्रों में वन क्षेत्र आने के चलते बात आगे नहीं बढ़ पाती। ऐसे में दोनों विभागों की संयुक्त बैठक में बीच का रास्ता निकाला गया है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का कहना है कि ट्रैकिंग के दौरान रास्ते में साइन बोर्ड लगाने की अनुमति नहीं थी, जिसको अब विभागों ने आपसी सामंजस्य बैठाकर दूर कर लिया है। दूसरी तरफ वन मंत्री हरक सिंह रावत ने वन क्षेत्रों में आने वाली सभी दिक्कतों को दूर करने की बात कही है। उत्तरकाशी नगर व्यापार मंडल के व्यापारियों ने माघ मेले का विरोध शुरू कर दिया है। व्यापारियों ने रामलीला मैदान के मुख्य गेट को बंद कर जमकर हंगामा किया। उनका कहना है कि माघ मेले की जो समय सीमा तय की गई थी, उसी समय सीमा में मेला बंद होना चाहिए। वहीं हंगामे की सूचना मिलते ही एसडीएम देवेंद्र नेगी मौके पर पहुंचे और व्यापारियों को समझा बुझाकर किसी तरह मामले को शांत करवाया। हल्द्वानी लालकुआ डौली रेंज ने पकड़ी अवैध लकड़ी तस्करों द्वारा ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर ले जाई जा रही थी लकड़ी को पकड़ा है। डौली रेंज के वन कर्मचारी द्वारा तस्करों का पीछा किया गया, जिसके बाद तस्कर मौके पर लकड़ी से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली को छोड़कर फरार हो गए। देहरादून के भोगपुर में महादेव काला बरसात के सीजन में परेशानी का सबब बनता जा रहा है और अतिक्रमण के चलते सारा पानी घरों में घुस जाता है। वहीं बच्चों के स्कूल आने जाने में भी परेशानी होती है। यहां अतिक्रमण को हटाने के लिए स्थानीय महिला द्वारा हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने प्रशासन को खाली से अतिक्रमण को हटाने के आदेश दिए, जिस पर ऋषिकेश तहसील प्रशासन की टीम ने पुलिस फोर्स के साथ अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई शुरू से लास्ट तक होनी चाहिए। याचिका दायर करने वाली महिला का कहना है कि बरसात में जंगल का सारा पानी घरों में घुस जाता है और नाले में अतिक्रमण की वजह से भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। डीआईजी अरुण मोहन जोशी ने मसूरी में पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि पूरे जिले में नशे के खिलाफ लगातार अभियान जारी है। नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में कई लोगों पर एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई भी की गई और खासतौर पर जो लोग बाहर से ड्रग्स लाकर उनकी स्मगलिंग कर रहे हैं, उन्हें सर्च कर कार्रवाई की जा रही है। भदोही में एक अधेड़ की उसके चचेरे भाइयों ने हॉकी स्टिक से पीट पीट कर हत्या कर दी, क्योंकि उससे उन्हें शक था कि मृतक उनके परिवार पर भूत प्रेत की साजिश रच रहा था, जिससे उनके पिता की मौत हो गई। दोनों सगे भाइयों ने मिलकर अधेड़ को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। इस मामले में पुलिस ने आरोपी दोनों सगे भाइयों को गिरफ्तार कर लिया है। जब दोनों आरोपियों से पुलिस ने पूछताछ की तो सबके होश हो गए। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि उनका और मृतक का एक जमीन को लेकर विवाद चल रहा था, जिसका समझौता हो चुका था, लेकिन मृतक मेरे परिवार के ऊपर भूत प्रेत का चक्कर करवा दिया था, जिस वजह से पिता की मौत हो गई और एक छोटी बच्ची का भी कुछ समय पहले ही हाथ टूट गया था। इस घटना के बाद बुधवार को महावीर से दोनों आरोपियों का विवाद काफी बढ़ गया और दोनों ने हॉकी से पीट कर पीड़ित की हत्या कर दी। मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के गेट के बाहर दंदहाड़े एक छात्र पर कार सवार हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। फायरिंग करने के बाद हमलावर फरार हो गए। गोली छात्र के सीने में लगी। घायल छात्र को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल छात्र विश्वास बीएड का छात्र बताया जा रहा है। हमले की वजह का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया। फायरिंग की सूचना पर आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। छात्र जैसे ही यूनिवर्सिटी के मुख्य द्वार पर पहुंचा तो वहां पर पहले से ही होंडा सिटी और कार में सवार हमलावर युवक तैयार बैठे हुए थे। छात्र को देखते ही हमलावरों ने उस पर फायरिंग शुरू कर दी। अपने ऊपर फायरिंग होता देख छात्र जान बचाने के लिए भागने लगा। दिनदहाड़े गोली चलने से आसपास भगदड़ मच गई। पुलिस अधिकारी अस्पताल पहुंचे और घायल छात्र से पूछताछ की। फिरोजाबाद में रक्षक ही भक्षक बन गया। दरअसल शराब के नशे में धुत एक कांस्टेबल एक घर में घुसा और नाबालिग लड़की के साथ छेड़खानी करने लगा। जब घर में मौजूद परिजन इसका विरोध करने लगे तो पुलिस वाले ने उनके साथ गाली गलौज की। वहीं इस पूरी घटना का परिजनों ने वीडियो बना लिया और पुलिस को इसकी सूचना दी गई। पुलिस नशे में धुत कांस्टेबल को थाने ले गई। लखनऊ से रिश्तों को कलंकित करने का मामला सामने आया है। मामला निगोहा थाना इलाके का है, जहां पैसों के लालच में एक भाई ने अपनी बहन की शादी एक अधेड़ के साथ तय कर दी। जब लड़की ने शादी करने से मना किया तो आरोपी भाई ने उसे जिंदा जलाने की धमकी दी। पीड़ित लड़की ने अपने भाई के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया है, जिसकी पुलिस जांच कर रही है।
नोएडा पुलिस ने वाहन चोरों के एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो लंबे समय से दिल्ली एनसीआर में वाहन चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। पुलिस के हत्थे इस गिरोह का एक सदस्य चढ़ा है जिसकी निशानदेही पर पुलिस ने 6 कार समेत 10 चोरी के वाहन बरामद किए हैं और उसका एक साथी पुलिस की गिरफ्त में आने से बच गया जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। ग्रेटर नोएडा के सेक्टरों में चोरी करने वाला गिरोह सक्रिय है। मकानों में घुसकर दिन दहाड़े चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं। ग्रेटर नोएडा के बीचा एक के एक मकान से चोरों ने लाखों रुपयों के सामान चुरा लिए। पुलिस चोरी का मामला दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। दो पक्षों में लड़ाई पथराव में बदल गई। गोरखपुर में दो पक्षों के आपसी विवाद में ईंट पत्थर चलने लगे। अब इस मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। आपसी विवाद में एक दूसरे के ऊपर लाठी डंडे बरसाए चले गए। दरअसल ये विवाद घर पर जबरन कब्जा करने को लेकर था जिसमें आपस में जमकर मारपीट हुई। ग्रेटर नोएडा में गाड़ी लूटने वाले गिरोह के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। कमिश्नरी सिस्टम लागू होने के बाद पहली मुठभेड़ है ये। मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लग गई जबकि दूसरा फरार है। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। गौतम बुद्ध नगर में पुलिस और गिरोह के बीच मुठभेड़ हुई। घायल बदमाश के पास से एक कार और हथियार पुलिस ने बरामद किया है। पहाड़ों की रानी मसूरी और धनौल्टी में इस साल हुई बर्फबारी ने पिछले 6 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बर्फ को देखने के लिए लगातार सैलानी उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं लेकिन इस बर्फबारी से स्थानीय लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। बॉलीवुड की वेटरन एक्ट्रेस शबाना आजमी की सेहत में अब सुधार हो गया है। इस बात की जानकारी जावेद अख्तर ने एक ट्वीट करके दी है। ट्वीट के जरिए जावेद ने उन सबका भी धन्यवाद किया जिन्होंने शबाना आजमी की अच्छी सेहत के लिए कामना की थी। हाल ही में मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर खालापुर टोल प्लाजा के पास शबाना आजमी की कार और एक ट्रक के बीच टक्कर हो गई थी जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गई थी। बॉलीवुड के दो दिग्गज अभिनेता नसीरुद्दीन शाह और अनुपम खेर के बीच CA NRC मामले में जुबानें जंग छिड़ गए हैं जहां एक और नसीरुद्दीन ने अनुपम खेर और उनकी बातों को जोड़कर कहा वहीं दूसरी और अनुपम ने नसीरुद्दीन को फ्रस्ट्रेट इंसान बताया है। शाहरुख खान ने बीते दिन फैंस से बात करने के लिए #AskShahrukhKhan का सेशन शुरू किया था। सेशन के दौरान फैंस ने शाहरुख खान से कई सवाल किए जिसका जवाब किंग खान ने बड़े ही जबरदस्त तरीके से दिया। शाहरुख का ये सेशन ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा था जिसे फैंस ने काफी एंजॉय किया। वरुण धवन, श्रद्धा कपूर, प्रभुदेवा और नौरा फतेही अभिनीत डांसिंग फिल्म स्ट्रीट डांसर 3D सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए तैयार है। इस फिल्म को भारतीय सिनेमा जगत की सबसे बड़ी 3D डांस फिल्म बताया जा रहा है। 24 जनवरी 2020 को रिलीज होने जा रही इस फिल्म से दर्शकों को काफी उम्मीदें हैं। फिल्म रिलीज होने से पहले वरुण धवन, श्रद्धा कपूर को दिल्ली के गुरुद्वारा बंगला साहिब में देखा गया।